हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने कार्य को आसानी से पूरा कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाकर चल रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को 4 नंबर की वह टॉपिक बताऊंगा क्लास 10 में जो बोर्ड में 4 नंबर में पूछ लिए जाते हैं एज इट इज, और वो टॉपिक है कह देगा किरण आरेख बनाइए। आपको एक चित्र बनाना होता है अवतल या उत्तल की सहायता से, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की सहायता से। आज मैं दर्पण से बनने वाले बताऊंगा और अगले वीडियो में लेंस से जो किरण आरेख बनने वाले होंगे उन सबको बताऊंगा बच्चों। तो दर्पण के बारे में आज हम किरण आरेख सीखेंगे और लेंस के बारे में अगले वीडियो में हम सीखेंगे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, 4 नंबर में किसी न किसी तरीके से पूछ लिया गया बच्चों। तो अगर जो आप इस 4 नंबर को प्राप्त करना चाह रहे बच्चों तो हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। आइए हम पहले आपको छोटी छोटी बातें बताते हैं। पहले हम दर्पण के बारे में बताते हैं बच्चों, दर्पण होता क्या है। दर्पण देखिएगा, दर्पण क्या होता है। दर्पण को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं मिरर, क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं दर्पण को मिरर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? मिरर बोलते हैं। और हिंदी में दर्पण बोलते हैं जिसको आप शीशा भी कहते हो। क्या कहते हो? शीशा भी कहते हो। अब ये दर्पण क्या होते हैं? दर्पण एक कांच का स्लैब होता है, बड़ा होता है, जिसको काट लिया जाता है और एक तरफ पेंट कर दिया जाता है। अगर जो प्लेन है और एक तरफ पेंट कर दिया गया तो समतल दर्पण बन जाता है बच्चों। जैसे ऐसे कांच का टुकड़ा है और एक तरफ हम कलाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? समतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? समतल दर्पण हो जाएगा, प्लेन मिरर हो जाएगा बच्चों, समतल दर्पण हो जाएगा बच्चों। लेकिन अगर जो कांच का जो आपका जो कांच का पार्ट, जो कांच का भाग है, वो कांच का भाग गोलीय हो तो गोलीय दो तरीके से काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं और एक ऐसे काट सकते हैं। तो इसमें अगर जो हम ये जो उभरा हुआ भाग होता है इसको उभरा हुआ भाग कहते हैं, और ये जो अंदर वाला भाग है ये घसा हुआ भाग होता है। अगर जो हम उभरे हुए भाग पर कलाई या पेंट कर दें बच्चों, कलाई पेंट कर दें तो ये जो सामने वाला भाग हो जाता है अंदर वाला, ये अंदर वाला भाग परावर्तक तल हो जाता है, तो इसे हम अवतल कहते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम जुगाड़ लगाए, अवतल देखिए, अव का आ का मतलब अंदर, अंदर वाला तल, अंदर वाला तल क्या है? परावर्तक तल है। अंदर आ का मतलब अवतल, अंदर वाले तल का परावर्तक तल होना और उभरे हुए तल का क्या होना? कलई होना। किसको बताता है? अवतल दर्पण को बताता है। अगर तो यही काम हम अंदर वाले के साथ कलई कर दें तो ये हो जाएगा उत्तल। अब इसका उत्तल नाम क्या पड़ा? ऊपर उत्तल है, तल उत्तल, उत्तल का मतलब है उभरा हुआ तल, परावर्तक तल, उभरा हुआ तल परावर्तक तल में है, यानी उस पर प्रकाश की किरणें पड़े और परावर्तित हो जाए। तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो मुख्य रूप से तो दो ही होते हैं, अवतल और उत्तल, लेकिन तीसरा भी होता है, एक समतल होता है। तो समतल में क्या होता है? समतल में जितनी दूर आप खड़े हो उतनी दूर पर समतल दर्पण में सामने प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा। आपका दायां अलिंद वहां बायां अलिंद दिखाएगा, इसका बायां हाथ वहां दायां हाथ दिखाएगा। जितनी दूरी पर आप दर्पण से खड़े रहिए उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा बच्चों। देखिए सबसे पहले हम एक छोटा सा दर्पण बना लेते हैं, कोई अवतल बना लें उत्तल बना लें, थोड़ा समझिएगा। इसमें मैं छोटी छोटी बातें बता दूं, जैसे ये होता है जो दर्पण है, दर्पण का जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको हम ध्रुव बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ध्रुव बोलते हैं। अंग्रेजी में पोल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? पोल। और इसके पश्चात यहाँ एक और बिंदु होता है, उस बिंदु का नाम होता है फोकस। और ये जिस गोलीय दर्पण से काट कर निकाला गया होता है उसका केंद्र होता है वक्रता केंद्र, इसे सी से लिखा जाता है और इसे पी से लिखा जाता है। इन 3 पॉइंटों को याद रखिएगा, ये फोकस होता है इस दर्पण का, ये फोकस होता है। फोकस हमेशा जो आपका परावर्तक तल होता है उसी तल की तरफ आपका रहेगा ये फोकस। तो फोकस आपका यहाँ मिलेगा और ये वक्रता केंद्र होता है, और इस तरफ को हम अनंत मानते हैं बच्चों। इस तरफ को जब बहुत दूर चले जाएंगे अनंत मान लेंगे। यहाँ ये 3 पॉइंट याद रखेंगे, सी एफ और पी, ये 3 पॉइंट याद रखेंगे। ऐसे यही चीजें उत्तल में भी होती है बच्चों, यही चीजें उत्तल में भी होती है। बस फर्क क्या हो जाता है? उत्तल में जो फोकस हो जाता है इस तरफ हो जाता है और वक्रता केंद्र इस तरफ हो जाता है।
बस वो जो कलई के अंदर हो जाता है, धड़पड़ के अंदर बन जाता है वो चीज। तो अब इसमें ये आभासी तौर पर ये मिल रहे हैं, तो आपको इसमें आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनेगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी, ऐसा क्यों? क्योंकि फोकस और वक्रता केंद्र जो है अंदर है, आभासी तौर पर अंदर है, दर्पण के अंदर है, इसीलिए यह आभासी तौर पर ही बनता है बच्चों, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब इसमें पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दूं और उस ट्रिक का नाम बता दूं होता क्या है, उसी ट्रिक की सहायता से पांचों का छों का जो भी हमको समझना होगा समझ लेंगे। होता क्या है, आई आई ट्रिपल सी डबल एफ, ये ट्रिक के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ किरण आरेख कैसे बनाएंगे। चार नंबर आपका फिक्स हो जाएगा बच्चों, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आई आई ट्रिपल सी डबल एफ, इसी को पलट कर आइए, डबल एफ ट्रिपल सी डबल आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ट्रिकी क्लास है। इसके बाद हम इसको घेर लेंगे ऐसे, पहले सिंगल घेरेंगे फिर डबल घेरेंगे। बच्चों समझ में आ रहा है, इतना काम तो आपको बड़ा सारा लग रहा हूँ, और फिर डबल घेरेंगे और फिर सिंगल घेरेंगे। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, किरण आरेख पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किरण आरेख पढ़ रहे हैं। अब ये वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, ये सारी बातें हम आसानी से सीखेंगे। देखिए इस आई, देखिए इसको हम बोलते हैं ये वस्तु की स्थिति रहेगी और ये स्थिति रहेगी। देखिए हम पांच कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा, ये पांच कंडीशन है। अवतल के लिए हम पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं बच्चों, ये भी ध्यान दीजिए, ये प्रतिबिंब की स्थिति होगी बच्चों, प्रतिबिंब की, और ये अवतल दर्पण की के लिए हम पढ़ रहे हैं। अवतल दर्पण में छह तरीके से बनता है, छह प्रकार से बनता है, छह प्रकार से किरण आरेख बनता है। कितने प्रकार से किरण आरेख बनता है, छह प्रकार से किरण आरेख बनता है बच्चों, छह प्रकार से किरण आरेख बनता है बच्चों अवतल दर्पण में। लेकिन हम पहले पांच का एक ट्रिक बता देते हैं। इसमें पांच की जो स्थिति होती है ये वास्तविक होती है, वास्तविक और उल्टा, ये वास्तविक और उल्टा एकदम फिक्स होता है। ये जो पांच स्थितियां होती है अवतल दर्पण में, ये वास्तविक और उल्टे की स्थिति बनती है, उल्टा है, और कितना बड़ा बनता है, कब बड़ा बनता है, उसके बारे में। देखिए बच्चे, अगर जो वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, एक दर्पण बना रहे हैं अवतल, ठीक, हम किरण आरेख बना, एक हम यहाँ पी बना दे रहे हैं, और हम क्या करते हैं बच्चों, अनंत पर एक वस्तु को रख देते हैं। देखिए बच्चों, जो पहली स्थिति है, पहली स्थिति फर्स्ट स्थिति क्या है, फर्स्ट स्थिति जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु आपका अनंत पर स्थित हो, अनंत पर हो, ध्यान दीजिएगा आपको लिखना कैसे होगा, देखिएगा जब अनंत पर होगा तो मुख्य रूप से दो किरणें छोड़ेंगे, तो आप ऐसे लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो तो वहां से मुख्य रूप से दो किरणें चलती है, दोनों समांतर होती है, फोकस से और एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। जो फोकस से जाने वाली किरणें होती है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, और जो प्रकाशिक केंद्र से आती है पुनः परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाती है। ये दोनों किरणें आपके आई डैश पर काटती है और इसको आई मानेंगे, और ये आई डैश फोकस तल होता है, क्या होता है बच्चों, ये फोकस तल पर काटती है, आई डैश पर काटती है, और वही वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, वही क्या करती है, वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। जो वस्तु से बहुत, चूंकि अनंत पर वस्तु से बहुत छोटा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है, जब इस तरफ बनेगा प्रतिबिंब तो वास्तविक और उल्टा हमेशा बनेगा, ध्यान दीजिए, परावर्तक तल के सामने बनेगा, वास्तविक उल्टा, तो ये जो आपका प्रतिबिंब है बच्चों ये वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। देखिए बच्चों फिर से समझिएगा, जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो वहां से मुख्य रूप से दो किरणें चलती है, पहली किरण मुख्य फोकस से हो जाती है, मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और जो प्रकाशित केंद्र से किरण आती है वो पुनः उसी मार्ग पर बन जाती है, उसी मार्ग पर लौट जाती है, और ये दोनों किरणें आई डैश फोकस के तल पर काटती है, फोकस के तल पर काटती है, और वही वस्तु का
बनाती है जो वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा होता है। ये वस्तु की पहली स्थिति है। अब देखिएगा, हम आपको ट्रिक समझा रहे हैं। वस्तु अनंत पर हो, प्रतिबिंब कहावनी फोकस पर, वस्तु अनंत पर हो, आई फॉर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मतलब अनंत, अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अनंत जहाँ अनंत आएगा वो चीज बड़ी होगी, तो वस्तु बड़ा होगा, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा रहेगा। अब दूसरे पर, दूसरा स्थिति क्या बच्चो, जब वस्तु को अनंत वा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच रखें, बच्चा अनंत का मतलब इंक्रेडिव, वक्रता का मतलब सी। तो बच्चों ये आपका अवतल हो गया, अवतल दर्पण हो गया, और अवतल दर्पण में आपको पोल मिलता है, पोल से एक पॉइंट आपका फोकस मिलता है, और ये वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र लगभग बराबर होते हैं, दूरी आपस में समान होती है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब हम कारक है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो यहाँ कोई वस्तु रखेंगे, और जब कभी भी यहाँ कोई वस्तु रखेंगे तो यहाँ से मुख्य रूप से आपकी दो किरणें चलती हैं। यहाँ रखिएगा, जब इसके बीच में कह रखा होगा तो मुख्य रूप से यहाँ से दो किरणें, एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, किससे होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, याद रखिएगा। अपवर्तन के पश्चात फोकस, और एक प्रकाशित केंद्र, प्रकाशित केंद्र चल गया, प्रकाश किरण टकरा कर पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें कहाँ मिलेगी, फोकस और वक्रता केंद्र पर, देखिए फोकस और वक्रता केंद्र के तल पर कहीं मिल रही है यहाँ, और यही वस्तु का प्रतिबिंब जो आपका ओ ओ डैश है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और आई फॉर इमेज, ओ ओ डैश का वस्तु का प्रतिबिंब आई आई डैश छोटा बनाती है वस्तु, देखिए वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो आपका छोटा है, तो वस्तु से छोटा हो गया, उल्टा हो गया, और वास्तविक इस तरह बनेगा, तो वास्तु, तो ये इसका किरण आर्य का बच्चों बहुत सुंदर होता है। तीसरा देखते हैं, तो देखते सकते हैं, अगर आपको लिखना होगा तो लिखने के लिए क्या कहते हैं, एक वस्तु ओ ओ डैश है, इससे दो मुख्य रूप से किरणें चलती हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर चलती है जो अपवर्तन परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है, और एक प्रकाशित किरण जाती है जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाती है, दोनों किरणें सी और एफ के बीच में काटती हैं, और वहीं उसका प्रतिबिंब बनाती है जो आई आई डैश होती है। बस इतना लिख देंगे आपको चार नंबर मिल जाएगा। तीसरा देखते हैं बच्चों, तीसरा, जब वस्तु कहाँ हो, सी पर हो, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, वस्तु सी पर, सी पर हो, सी का मतलब वक्रता केंद्र पर, यानी वस्तु कहाँ हो उसको वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, वक्रता केंद्र पर ही बनना चाहिए। देखते हैं कैसे बनता है, आपने दर्पण बना लिया, ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ आप वस्तु को रख दीजिए, और देखिए उसी पर बन रहा है, ध्यान दीजिए, इस वाले सेकंड वाले में वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, देखिए अनंत इसमें शामिल था इसलिए वस्तु बड़ी थी और प्रतिबिंब छोटा हो गया था, ये दोनों से इसमें अनंत शामिल नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि प्रतिबिंब बराबर बनेगा। तो अब चल जरा देखते हैं, हमने ओ ओ डैश को रख दिया, और यहाँ से मुख्य रूप से दो किरणें चलती हैं, एक कहाँ से चलती हैं, पहली किरण जो होती है वो चलती है आपके मुखर्ज के समान, तो जो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, और दूसरी किरण कहाँ चलती है बच्चों, फोकस से चलती है, कहाँ से, फोकस से, जो समांतर के बच्चा क्या रहते हैं मुखर्ज के, आपको रजिस्टर करिएगा, ये यही बनती है, और यही इसका प्रतिबिंब आपके पास टेढ़ा हो गया, लेकिन याद रखिएगा जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये वक्रता केंद्र बनता है, बराबर होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है, ये बात याद रखिएगा। वहाँ से जब आप वक्रता केंद्र पर रख देंगे तो वहाँ से मुख्य रूप से दो किरणें चलती हैं, एक कहाँ से, एक मुखर्ज के समांतर और एक फोकस से ऊपर चलती हैं, और फोकस से चलने वाली किरणें मुखर्ज के समांतर जाती हैं, और मुखर्ज के समांतर के बजाय यहाँ कट करती हैं इसी के जस्ट नीचे, इसी के जस्ट नीचे जितना बड़ा ये होता है उतना ही बड़ा बनता है, तो वस्तु बराबर होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। चौथी स्थिति देखते हैं बच्चों, चौथी स्थिति वक्रता केंद्र कहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे, सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच में रहेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी आई के बीच,
तो सी आई के लिए थोड़ा सा गड़बड़ बन जा रहा है बच्चों, आप लोग थोड़ा समझिएगा। देखिए ये पी है और यहाँ से हमने बना दिया एफ, ये आप यहाँ वस्तु को रखते हैं। जब वस्तु को आप यहाँ रखेंगे थोड़ा वस्तु छोटा बना लीजिए, यहाँ से एक पहली किरण कक्ष के समांतर चलेगी जो प्रकाश केंद्र से ऐसे कट कर और दूसरी किरण चलेगी जो पुनः वापस लौट जाए यहाँ कहीं नहीं करेंगे। ये आपका वस्त्र हो गया ओ ओ डैश बच्चों, और ये टकरा कर पुनः वापस लौट जाएगी। और यहाँ देखिएगा यहाँ इसका कट करेगी और यहाँ इसका आई आई डैश प्रतिबिंब बनाएगी इस तरीके से। तो ये आपका प्रतिबिंब बनेगा जो कहाँ है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है। देखिए ये आई वस्तु है, ध्यान दीजिएगा ये आई आपका वस्तु है आई आई डैश, और अनंत ये आई अनंत है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगी ये प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगी। अब अनंत वस्तु प्रतिबिंब में शामिल होगा इसीलिए प्रतिबिंब बड़ी हो जाएगी बच्चों, बात समझ रहे हैं कि ये अगर जो वस्तु को हम कहा रखें वक्रता केंद्र और यह के बीच में रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, अनंत इसमें शामिल है तो बड़ा बनेगा, दूसरी बात वास्तविक और उल्टा बनेगा ही बनेगा। ये बात लेंस के बारे में बताया जाएगा बच्चों, लेकिन ये वीडियो आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। पांचवी स्थिति क्या है, जब वस्तु को हम एफ पर रख दिए, एफ पर रखेंगे तब क्या बनेगा बच्चों, देखिएगा जब वस्तु को आप एफ पर रख देंगे, यहाँ आप एफ पर रख दिए और यहाँ आपका सी हो गया, यहाँ रख दें, यहाँ से भी मुख्य रूप से वही किरण चलेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए ये प्रकाशी किरण ऐसे टकराएगी और ऐसे, और ये दोनों आपस में किरणें क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। जब दोनों किरणें आपस में समांतर हो जाएंगे तो क्या प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि ये जाके कहीं अनंत पर मिल रही होगी, तो अनंत इसको हम लिखेंगे कैसे बच्चों, ये लिखने का तरीका क्या है, इसको बता दे रहे इसी तरीके से आप सबको लिख सकते हैं। जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, फोकस पर रखेंगे तो मुख्य रूप से वहाँ से दो किरणें चलेंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती है, और एक प्रकाशित केंद्र परावर्तन के पश्चात सीमांत को पूरा लौट कर दोनों किरणें आपस में समांतर हो जाती हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये अनंत पर मिल रही है और वही उसका प्रतिबिंब बनाएगी जो वस्तु से बहुत बड़ी होगी, वास्तविक होगी और उल्टी होगी, बात समझ गए। तो ये पांच स्थिति आप याद कर लीजिएगा, एक बार मैं ट्रिक को और समझा दे रहा हूँ। देखिए इस पांच स्थिति में आप क्या करेंगे, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, वास्तविक उल्टा रहेगा ही रहेगा, अनंत वस्तु में है तो वस्तु बड़ी होगी और प्रतिबिंब बहुत ही छोटी होगी बिंदु वाली। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच थोड़ा सा आगे ला लेता रखेंगे तो फोकस और वक्रता केंद्र के थोड़ा सा पीछे हटता जाएगा, जितने इसको आगे बढ़ाएंगे उतने पीछे हटता जाएगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, यहाँ अनंत में अनंत इसमें सामने इसलिए ये चीज बड़ी होगी, ये चीज छोटी, वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र बनेगा जैसा था उल्टा बनेगा, उतना ही बड़ा बनेगा और वास्तविक रहेगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच यहाँ बनेगा और वस्तु के बड़ा बनेगा और क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वस्तु को फोकस पर रख देते हैं बच्चों तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर बनता है, बात समझ में आ रही है सबको। ये पांच स्थिति आप ट्रिक पर समझ सकते हैं आसानी से। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और काफ़ी बच्चों को जोड़िएगा और काफ़ी बच्चों को लाभ प्राप्त करवाइएगा, ताकि सभी बच्चे जो यूपी आगामी यूपी बोर्ड आने वाला है उसमें सभी बच्चे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर पाए। जय हिंद, जय भारत।